हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हम आ गए एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक वाटर टैप। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो ये इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये आपको ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहिए तो घर में भी बना सकते हो। इसे कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर पिछले एक वीडियो में बनाया था, तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ये वीडियो का एंड में मिल जाएगा। और आपको चाहिए एक 5 वोल्ट का रिले और चाहे इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक वाटर वाल्व। ये 12 वोल्ट में काम करता है। ये वाल्व नॉर्मली क्लोज रहता है, अगर आप इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये वाल्व ओपन हो जाता है। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इन सब को कनेक्शन कर लेते हैं। ये रिले को हम एक PCB में जोड़ लेंगे। एक 7805 रेगुलेटर लगा लेंगे 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, क्योंकि ये वाल्व में हम 12 वोल्ट देंगे और ये IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोर्ड 5 वोल्ट में चलते हैं। अब हम ये एक बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं।
तो फ्रेंड हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुके, तो अब हम इसे ले चलते हैं हमारा डेमोस्ट्रेशन पे।